डियर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस अबाउट अ रेंडम वॉक प्रोसेस रैंडम वॉक मॉडल कि किस वक़्त मॉडल रेंडम वॉक एरा में एंटर हो जाएगा और uh, उसकी डिफरेंट शेप्स आपने देखी सम टाइम इट्स विद ड्रिफ्ट इट्स विदाउट ड्रिफ्ट तो उसमें जो चेंज आ रही है uh, उसको कैसे हमने प्रेडिक्ट करना है कैसे फर्दर एनालिस में यूज़ करना है कैसे रिसर्च पेपर में यूज़ करना है कैसे रिसर्च असाइनमेंट में यूज़ करना है इवन पॉलिसी मेकिंग में कैसे यूज़ करना है तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इवन इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनट रूट स्टोकेस्टिक प्रोसेस यूनिट रूट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली इन टाइम सीरीज जब हम टाइम सीरीज को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि वेदर देर इज़ यूनिट रूट और देर इज़ नो यूनिट रूट इन दीरीज जो हमने बेसिक अजम्पन पढ़ी थी कि एक सीरीज किस वक़्त हम एनालिसिस में यूज करेंगे तो सीरीज को जब हमने देखना है तो द फर्स्ट स्टेप इज यूनिट रूट वेदर देर इज यूनिट रूट और देर इज नो यूनिट रूट और यूनिट रूट का जो प्रोसेस है दिस इज़ वेरी मच सिम्पल इसको हम ऑटो रिग्रेसिव से डिराइव करते हैं दिस इज समर्ट ऑफ ऑटोरिग्रेसिव मॉडल कि आप उसको सिंपली यू हैव द मॉडल वाई टी इज इक्वल टू रो वाई टी माइनस वन प्लस एरर टर्म एंड द एर टर्म अगेन वहीं के आप उसको मीन जीरो एंड वेरियंस कॉन्स्टेंट रखते हैं वैल्यू ऑफ रो लाइफ फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन माइनस वन टू प्लस वन जब लाइक करती है लाइक जिस तरह हम अजम्पन उसकी पढ़ते थे ना या क्राइटेरिया को रिलेशन का तो हम देखते हैं कि क्या वाई टी एंड वाई टी माइनस वन में एसोसिएशन है स्ट्रांग एसोसिएशन है या वीक एसोसिएशन है वाई टी जब लैग टू पे जाते हैं तो वाई टी माइनस टू और वन के साथ हम उसको एसोसिएट करेंगे जब थ्री लेग पे जाते हैं तो थ्री माइनस टू के साथ करते हैं यानी के जिस टाइम अगर हम फिफ्थ ईयर या फिफ्थ लैग पे ले रहे हैं तो उसको कंपेयर करेंगे विद फोर्थ सेवंथ पे जा रहे हैं टू तो कंपेयर विद लाइक सिक्स एंड पे जा रहे हैं यू हैव टू कंपेयर इट विद लाइक ऑब्जर्वेशन तो फिर देखना है कि क्या उनमें स्ट्रांग एसोसिएशन है या नहीं तो इट्स वेरी मच सिंपल या इफ द वैल्यू ऑफ प्रो इज इक्वल टू वन वन का मतलब है देर इज स्ट्रांग एसोसिएशन और जब एसोसिएशन स्ट्रांग होती है तो अगर आ, रो की वैल्यू वन आ रही है इट मीन देर इज़ अ यूनिट रूट और जब यूनिट रूट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो नेक्स्ट चीज़ हम उसको वहीं कह सकते हैं इफ़ देर इज़ यूनिट रूट द सीरीज इज़ नॉन स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी सीरीज को भी हम जनरली रेंडम वाक भी कह सकते हैं तो रेंडम वाक जो सीरीज होती है आ, वो नॉन स्टेशनरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह अगर किसी सीरीज़ में आपका ए प्रोसेस जो है वो हम अप्लाई करते हैं और रो की वैल्यू इक्वल टू वन आती है वन मीन्स देर इज यूनिट रूट एंड यूनिट रूट अगर सीरीज में होता है तो सीरीज को हम कहते हैं सीरीज इज़ नॉन स्टेशनरी अब नॉन स्टेशनरी को किस तरह डील करना है uh, uh, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में करेंगे लेकिन अगर रो uh, की वैल्यू इक्वल टू वन आ गई है इट मीन्स द यूनिट रूट अगर उसकी वैल्यू लेस देन वन आ रही है द एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यूज़ करनी है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रो इज़ लेस देन वन इट मीन्स देर इज नो यूनिट रूट एंड इफ देर इज नो यूनिट रूट इट मीन द सीरीज इज स्टेशनरी अब स्टेशनरी जब हो जाएगी फिर हम उसको फर्दर एनालिस में यूज करेंगे कि कौन सी सीरीज कौन से मॉडल में यूज करनी है जो हमारा बेस्ट होगा कोई भी मॉडल कोई भी वेरिएबल उठा के हम उसको रिग्रेस नहीं कर सकते देर आर सम लाइक प्री कंडीशन ये कंडीशन पूरी होंगी तब हम आगे मूव करेंगे अदरवाइज हम आगे मूव नहीं कर सके तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के यूनिट रूट यू हैव टू पुट इन योर माइंड कि अगर आप ए आर प्रोसेस अप्लाई करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग पे उसको रिग्रेस करते हैं और उसका जो क्वाफिशेंट है इज इक्वल टू वन देन देर इज द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटूड हमें रीथिंक करना होगा कि हमने सीरीज को किस तरह आगे चैनलाइज करना है किस तरह सीरीज को आगे मोल्ड करना है ताकि हमारे जो एफिशेंट एनालिसिस है अथेंटिक एस्टिमेशन के लिए एंड इवन रिलाइबल फाइंडिंग के लिए हम उसको यूज़ करेंगे